Dear students, in last class we have discussed about the Reynolds number. और ये Reynolds number actual में क्या होता है, ये हमारे को बताता है कि हमारा जो fluid flow कर रहा है किसी भी pipe के अंदर या किसी भी same तरह का कोई भी अगर ऐसी arrangement है जिसके अंदर से fluid flow करता है, तो वो fluid जो है laminar होगा या turbulent होगा nature wise, उसके बारे में ये Reynolds number हमारे को देता है. And Reynolds number is इसको R E से रिप्रेजेंट करते हैं. It is rho V divided by U. तो ये Reynolds number एक्चुअल में क्या बन गया, Reynolds number को हम कह सकते हैं कि Reynolds number is a pure number. ये complete एक number है, और जैसे 2, 4, 5, 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे एक ही number है. ये हमारे को बताता है nature of flow of liquid through the pipe. तो pipe generally pipe flow के लिए use होता ही है, तो वैसे open channel के लिए भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ टाइम्स इस हमारे सिलेबस में जो हम इसको यूज करेंगे, वी विल यूज द Reynolds नंबर फॉर पाइप फ्लो. तो पाइप फ्लो के अंदर वो लिक्विड लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा, उसके बारे में हमें Reynolds नंबर से पता चलता है. तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो फार्मूला आया है, इस फार्मूला से Reynolds नंबर की वैल्यू से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं, और फिर उस वेलोसिटी की एक लिमिट होती है कि अगर वो वेलोसिटी इससे कम है या वेलोसिटी इससे ज़्यादा है, तो फिर आप उस पाइप का फ्लो जो है ये बता सकते हो कि लिमिनार होगा कि टर्बुलेंट होगा, और वहीं से हम क्रिटिकल वेलोसिटी डिफाइन करते हैं. लेकिन बार बार वेलोसिटी हम ऐसे नहीं निकालेंगे. हम लोगों ने क्या किया कि ये जो Reynolds नंबर है इसी का नंबर, इसी की वैल्यू डिफाइन कर दी कि अगर Reynolds नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो फ्लो किसी भी पाइप में लेमिनार होगा. तो लेमिनार होने के लिए वो किस किस पे डिपेंड करता है, उस फ्लूड की खुद की डेंसिटी कितनी है, रो के ऊपर डिपेंड करता है, वी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, डी डायमीटर किस तरह की पाइप है, वो मोटी है या पतली है उसके अंदर फ्लो करता है, और न्यू विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, उसकी जो लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस है एक वो उसके ऊपर, और इन सब को मिला के अकेला Reynolds नंबर अब हमारे को ये बताएगा कि अगर Reynolds नंबर की वैल्यू 2000 या उससे कम है तो फ्लो विल बी लेमिनार इनसाइड द पाइप, और अगर Reynolds नंबर की वैल्यू 3000 से ज़्यादा है तो फिर फ्लो विल बी टर्बुलेंट इन द पाइप. अब 2000 और 3000 के बीच में अगर है, तो 2000 और 3000 के बीच में है तो हम ये बोलेंगे कि ये फ्लूड जो है ये अभी फ्लो ना तो लेमिनार है ना टर्बुलेंट है, ये ट्रांजिशन जोन में है, ये लेमिनार से टर्बुलेंट बनने की तरफ जा रहा है, इसका ये मतलब है. अब ये Reynolds नंबर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है एक्चुअल में, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि फ्लूड के अंदर इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया के कंपेरिजन में विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है. देखो इनर्शियल फोर्स का मतलब क्या है कि वो फ्लूड खुद कितना इनर्शिया लगा सकता है, और विस्कस फोर्स का मतलब क्या है कि वो फ्लूड कितना रेसिस्टेंस लगा सकता है. और Reynolds नंबर ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इनर्शियल फोर्स ज़्यादा और विस्कस फोर्स कम, रेजिस्टिंग फोर्स कम. तो इसका मतलब अगर इनर्शियल फोर्स ज़्यादा होगा तो फ्लूड पार्टिकल इधर उधर ज़्यादा भागेंगे, और वो विस्कस फोर्स कम होगा उसमें तो रेसिस्ट कम करेंगे. तो इसका मतलब अगर इनर्शियल फोर्स ज़्यादा और विस्कस फोर्स कम तो फ्लूड के पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में ना चल के वो इधर उधर जिगजैग मोशन में चलेंगे, और अगर इसका उल्टा है तो फिर इनर्शियल फोर्स कम और रेसिस्टिंग फोर्स ज़्यादा, तो वो रेसिस्टिंग फोर्स ज़्यादा होने से फ्लूड की लेयर्स एक दूसरी लेयर को इधर उधर नहीं जाने देगी, रेसिस्ट करेगी, तो वो फ्लो को एक स्ट्रेट लाइन में चलवाएगी, तो वो फ्लो बन जाएगा लेमिनार. तो Reynolds नंबर को हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स
फोर्स परिमिट एरिया टू विस्कस फोर्स परिमिट एरिया। नेक्स्ट है ये, दिस इज ऑल अबाउट द रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसका क्या मतलब है? कोई भी एक पाइप है, मान लिया वो बीच से पतली, आगे से मोटी, पीछे से पतली, या कहीं से भी कैसी भी हो सकती है, मैंने एग्जांपल ऐसे ही से बना दिया। तो अगर इस पाइप के अंदर इंटायरली एक फ्लूड भरा हुआ है तो इधर से हम जितना फ्लूड देंगे उधर से उतना ही निकलेगा। ऐसा तो है नहीं कि इधर से हमने फ्लूड दे दिया 10 किलोग्राम पर सेकेंड और इधर से निकल गया 20 किलोग्राम पर सेकेंड, ये अपने आप को जनरेट कर नहीं सकता। या इसका उल्टा, इधर से हमने फ्लूड दे दिया 5 किलोग्राम पर सेकेंड और उधर से निकल गया 10 या 12 किलोग्राम पर सेकेंड, ना तो ये स्टोर कर सकता ना ये जनरेट कर सकता। तो इसका मतलब क्या है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, कि इफ देयर इज एन इनकंप्रेसिबल फ्लो देन मास फ्लो रेट इनसाइड द चैनल विल बी इक्वल टू मास फ्लो रेट आउटसाइड। जितना इन करेगा मास पर यूनिट टाइम उतना ही एग्जिट करेगा, इसका ये मतलब है। अब हम मास कैसे निकाल सकते हैं, मास का मतलब क्या है, हमें तो एक बात का पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। तो इस मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। और ये है फ्लो रेट, मतलब पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये तो बन गया इनलेट के लिए, सेम एज इट इज ये आउटलेट के लिए क्या बन जाएगा, रो वी बाय टी फॉर आउटलेट। अब ये जो सेम लिक्विड है इसमें मुझे वॉल्यूम की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एरिया इनटू लेंथ, डेंसिटी एज इट इज, वॉल्यूम की जगह दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट इनलेट, कुछ भी हो सकता है, ये ज़्यादा भी कम भी। और इनटू में अगर मैं लेंथ का मतलब क्या है, ये यूनिट यूनिट लेंथ क्रॉस सिर्फ एट इनलेट पे, मान लिया वो स्मॉल एल है तो इनटू में एल एट इनलेट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट इनलेट डिवाइडेड बाई टाइम, सेम एज इट इज। ये डेंसिटी ऑफ फ्लूड इनटू में इस वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट आउटलेट, और इसकी जगह लेंथ क्रॉस्ड एट आउटलेट इन टाइम टी। अब देखो ये रो एज इट इज, इनलेट क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं, कब लिखेंगे ये इनलेट के टाइम, सेम एज इट इज ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज इट इज और लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट आउटलेट। तो रो ए बी एट इनलेट विल बी इक्वल टू रो ए बी एट आउटलेट। अगर वो फ्लूड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है, सेम फ्लूड है उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होती है, तो डेंसिटी में डेंसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, एरिया इनटू वेलोसिटी एट इनलेट इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी एट आउटलेट, इसका ये फॉर्मूला बन गया। तो मास फ्लो रेट विल रिमेन सेम, अगर डेंसिटी सेम है तो फिर क्या होगा कि अगर यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। बट अमाउंट ऑफ मास फ्लो या मास क्वांटिटी ऑफ मास फ्लो पर यूनिट टाइम विल रिमेन कांस्टेंट। बस क्या होगा, जो मोटा होगा उसके अंदर फ्लूड धीरे से जाएगा, जो पतला होगा उसमें फ्लूड तेजी से निकल जाएगा, लेकिन यूनिट टाइम में जितना मास इधर से क्रॉस करेगा उतना ही उधर से करेगा। दिस इज ऑल अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ द या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि किसी भी समय किसी पाइप के अंदर कोई फ्लूड फ्लो अगर हम करवाएंगे तो अलग अलग क्रॉस सेक्शन, मान लिया पाइप कहीं बीच से पतला है कहीं आगे पीछे से वो मोटा है, तो जहाँ से पतला पाइप होगा वहाँ से फ्लूड तेजी से निकल जाएगा, या वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे स्पीडली फ्लूड फ्लो करेगा।
जहाँ पे वाई जहाँ पे पाइप मोटा होगा वहाँ फ्लूड धीरे धीरे चलेगा, लेकिन पूरे पाइप के अंदर सेम अमाउंट ऑफ मास ऑफ फ्लूड विल फ्लो। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो आपने ये बात एक याद रखनी है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से दो कंक्लूजन निकलते हैं, मास एट एवरीवेयर इज सेम, मास फ्लो रेट सॉरी, और दूसरी बात वेलोसिटी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जिस क्रॉस सेक्शन का एरिया कम वहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा, जिसका एरिया ज़्यादा वहाँ पर वेलोसिटी कम। दूसरी बात वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट का मतलब क्या है। वॉल्यूम फ्लो रेट का मतलब है कि टोटल वॉल्यूम कितना फ्लो किया यूनिट टाइम में, और मास फ्लो रेट का मतलब क्या है कि टोटल मास या कितने किलोग्राम फ्लो किया पर यूनिट टाइम में। अगर एक फ्लूड की डेंसिटी चेंज नहीं होती है तो ये वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट में आपको कोई खास ऐसा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कि ये कोई खास बात है। लेकिन अगर किसी फ्लूड की डेंसिटी अगर चेंज हो जाती है तो फिर इन दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस होता है, फिर हम दोनों को सेम या ऐसा नहीं मान सकते कि चलो इसको छोड़ दे ये ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? देखो अभी क्या है, ये डेंसिटी को मैंने कैंसिल कर दिया, तो एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी, इनलेट और आउटलेट की सेम, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। लेकिन अगर ये डेंसिटी अगर चेंज नहीं होती तो फिर मैं ऐसे नहीं ले सकता था, फिर मैं सिर्फ मास फ्लो रेट को इक्वेट कर सकता था कि जितना अमाउंट ऑफ मास इधर से आएगा उतना ही अंदर से जाएगा। तो कल हम एनर्जी ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे कि एनर्जी एक लिक्विड के अंदर कितनी तरह की